जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा और बहुत इम्पॉर्टेंट भी चीज़ है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। और हम ये बताना चाहते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हो सकता है कि बाद में पछतावा भी हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको दो चीज़ें बताएंगे। एक तो आपको फ्री में फॉर्म भरने के लिए बताएंगे, दूसरा नंबर आप लोगों की वैकेंसीज़ के बारे में। फिलहाल आप देखेंगे कि वैकेंसीज अभी थोड़ी कम है, लेकिन वैकेंसीज आपके बाद में बहुत अच्छी होने वाली हैं। तो ऐसा ना हो कि आप इसी चक्कर में क्या हो कि फॉर्म अप्लाई ना करें, बाद में पता चले कि आपकी जो वैकेंसीज है बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आपकी सीट इंक्रीज हो गई और आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, आपकी तैयारी भी अच्छी खासी थी, तो आपको बाद में पछतावा होगा। और इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्म का जो डेट होता है वो एक सीमित रखी जाती है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक फोटो आया हुआ है जिसमें आपको सिंपल सीधा सा लिखा हुआ है, जिसमें आपको लिखा गया साफ साफ जो आसाम कैंडिडेट हैं, यानी कि जो एसएससी जीडी का फॉर्म है, आसाम कैंडिडेट हैं, जो एससी और एसटी वाले कैंडिडेट हैं, किसी कारणवश वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं और वो फॉर्म भरना चाहते हैं एसएससी जीडी का। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, आपको वहाँ पर एससी और एसटी वालों के लिए बात कही गई है, अदर कैंडिडेट के लिए बात नहीं कहा गया है। ठीक है, तो जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो एससी और एसटी वाले हैं वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं किसी कारणवश, ठीक है, तो आप सीआरपी के कैंप पे जा सकते हैं और जो आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा एसएससी जीडी का, वो आप लोगों का 16 अगस्त से 31 अगस्त 2021 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने सीआरपी के सेंटर पर जाइए, सीआरपी आपकी खुद जो आपका फॉर्म है वो भर के आपको देगी। इससे फायदा का क्या होने वाला मैं आपको बता देता हूँ। पहला नंबर तो आपका फॉर्म आपके बहुत अच्छे तरीके से सही भरे जाएंगे, आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं हो पाएगी। दूसरा नंबर है कि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और किसी कारणवश या पैसे नहीं हैं, यानी साइबर कैफे पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपका लगता है, तो वहाँ पैसे आपके बच जाएंगे, फॉर्म में गलती होने के चांस आपके कम हो जाएगी, यानी कि फॉर्म आपके बहुत अच्छे भरे जाएंगे। ये आपकी दो चीज़ें हो गई। और यदि आपको ज़्यादा इंक्वायरी करनी है, आप अदर स्टेट से भी हैं आपको लगता है, तो नीचे देखिए कमेंट बॉक्स देखिए, आपको जो फोटो है उस पर नीचे आपके दो नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं। जो आसाम के कैंडिडेट हैं एक बार नंबर पर कॉल करके ही अपने सेंटर पर जाइएगा, और जो फॉर्म भरा जाए केवल सी आर पी पे ही फॉर्म भर रही हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। आप लोगों के लिए है, आसाम कैंडिडेट वाले हैं जो एस सी एस टी वाले हैं, आप फॉर्म सी आर पी एफ से भरवा सकते हैं, ये बात होगी आपके लिए। अब दूसरी हम बात करते हैं आपकी वैकेंसीज, यानी कि 40 से 50 हज़ार 55 हज़ार तक वैकेंसीज आपकी बढ़ जाएगी। देखिए जो एस एस सी जी डी का फॉर्म आया हुआ है जिसमें 25,271 पोस्ट निकल के आ रही है, आर ई डी ओवर में एस सी एस सी ओ बी सी मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन को मिला के, ठीक है, ई डब्ल्यू एस को मिला दिया जाए, जनरल को मिला दिया जाए, तो आपकी जो वैकेंसीज है वो 25,271 पोस्ट देखने को मिल जाती है। बात यहाँ पर आती है आपकी सी आर पी और एन आई ए, यहाँ पर आप लोगों के दोनों वैकेंसीज जीरो रखी गई है और बी एस एफ में महिलाओं की जो वैकेंसीज जीरो रखी गई है, तो ये वैकेंसीज अभी नहीं आई है। मैं आपका एक कारण बता देना चाहता हूँ, आपको मैंने पहले वीडियो बना दिया था, एक वीडियो मैंने बताया भी है कि आपकी जो वैकेंसीज बढ़ाई जाएगी, लेकिन आपको फिर से मैं वीडियो बना भी रहा हूँ तो सोचा लाओ इसी वीडियो में आप लोग को और भी बता दे, ताकि आप लोग इस चीज़ को फिर से फॉर्म अप्लाई कर पाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो फॉर्म अभी नहीं भरे हैं। ठीक है, फॉर्म नहीं भरे हैं तो ये मत सोचिए कि आपकी वैकेंसीज नहीं आई है, क्योंकि सी आर पी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा भी आती है, तो सी आर पी की जो वैकेंसीज है वो आपकी बढ़ाई जाएगी, आपकी जो वैकेंसीज है फिर से बढ़ाई जाएगी, फिर से आपके एक नोटिस आएगा उसमें आपकी वैकेंसीज इंक्रीज करने की नोटिस रहेगी, जिसमें आपको सी आर पी की वैकेंसीज के साथ साथ जितने भी पोस्ट आपकी हैं उनमें कुछ ना कुछ पोस्ट आपकी बढ़ के ही होने वाली, यानी कि कुल मिलाया जाए सिलेक्शन होते होते आपकी 50 से 55 हज़ार तक की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, इतनी सारी वैकेंसी रहने वाली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी वैकेंसी इतनी कम है और हम फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, बाद में आपने देखा कि बहुत सारा फॉर्म हो गया, कभी कभी होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या 2018 में देखे होंगे ना कि आपकी वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, तो ऐसे ही है ना कि आपकी किसी में कट ऑफ ज़्यादा जाती है, किसी में कट ऑफ कम जाती है, तो आओ फॉर्म अप्लाई करो यार, फॉर्म अप्लाई करिए, वैकेंसी बढ़ के आएगी, अच्छा भी रहने वाला है, 2-3 साल के बाद आपकी वैकेंसीज भी आ रही है, तो हर साल वैकेंसीज भी नहीं आती है, तो ये जब की हो रही है आप सोच के चक्कर में पड़ रहे हो कि सीआरपी की वैकेंसीज नहीं है तो हम नहीं भरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये थोड़ी सी अपनी जो जो नेगेटिव भावना है ना उसको हटा दीजिए और फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। और जो आसाम कैंडिडेट है ना, आप अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं, सीआरपी फॉर्म खुद फिलअप करने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम नोटिस, न्यू नोटिस की बात करते हैं कि आपकी सीआरपी की जो न्यू नोटिस है
वो कब तक आने वाली है? आपकी एक छोटी सी नोटिस आएगी जो कि आपके 2-4 या 1 हफ्ते के अंदर एक नोटिस से आपके एसएससी की वेबसाइट पर अपलोड होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपना फॉर्म जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो आपका जो वेबसाइट है क्रैक होती है, आपका साइट बिजी हो जाती है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए वो अपना एक नोटिस डालेगा, आप बहुत जल्द फॉर्म भरने के लिए कहेगा, तो अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ कि जो आसाम कैंडिडेट है, SC ST वाले हैं, अपना फॉर्म अप्लाई आप लोग नहीं किए हैं किसी कारणवश, तो आप अपने नज़दीकी CRPF कैंप पे जाइए और वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करवा लीजिए। दूसरा नंबर है कि CRPF में वैकेंसीज अभी इंक्रीज़ नहीं हुई, यानी SSGD के थ्रू नहीं आई अभी, यानी कि वैकेंसी नहीं दिखाया गया, तो वो भी वैकेंसीज आपकी बढ़ाई जाएगी, बहुत जल्द ही आपकी वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा, जैसे आता है वीडियोज़ के माध्यम से बता देंगे। वैकेंसी इंक्रीज होगी, 55 से 50 हज़ार के बीच में आपकी वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, इतनी सारी वैकेंसीज हैं। और ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए, सबसे पहले आप लोगों का रिटन एग्जाम होने वाला है, अच्छा नंबर लगे, अच्छी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, अच्छी पोस्ट आपकी रैंकिंग आपको मिलने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।